बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारी डिस्कशन यूनाइटेड नेशंस के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस। ये दो टर्म्स हैं, पीस कीपिंग एंड पीस मेकिंग। मैं आपको सबसे पहले इन टर्म्स के हवाले से एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फिर इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊंगी। पीस कीपिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू मीनिंग ऑफ पीस कीपिंग एंड बेसिक थीम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पीस कीपिंग। पीस कीपिंग रेफर्स to operations in which personnel owing allegiance to the United Nations are engaged in military or paramilitary duties and or carrying weapons for their own defense in the pursuit of duties designated by the United Nations as necessary for the maintenance or restoration of peace. The basic objective of the United Nations peacekeeping have been the prevention, containment, moderation and termination of hostilities between or within states through the medium of a peaceful third party intervention organized and directed internationally. United Nations peacekeeping forces played their impartial role, non-coercive, and their measures are considered as interim measures. It involves more peaceful intervention with the consent of the parties directly involved in the disputes. United Nations appointed many peacekeeping missions, many peacekeeping operations, and in the different parts of the world. So, peacekeeping forces mean civilian and military personnel designated by the national government of countries participating in the peace operation. These personnel are placed at the disposal of the international organization under the United Nations or under whose mandate the given operation is being conducted. Generally, peacekeeping forces are made up of national contingents under international command. Each national contingent is assigned either a zone of responsibility or specific functional duties. तो मैंने आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूनाइटेड नेशंस के अंडर जो होते हैं उनसे मुराद ये ली जाती है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ की फोर्सेस, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के पर्सोनल, लेकिन उनको यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला में ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं या यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम दिया जाता है और ये डिस्प्यूटेड पार्टीज़ की कंसेंट से उन इलाकों में भेजी जाती हैं और यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक इंटरनेशनल कमांड के थ्रू ये अपना रोल प्ले करती हैं। तो इनको मुख्तलिफ जोन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ दी जाती हैं जिनको ये फुलफिल करते हैं। यूनाइटेड नेशंस
के अंडर 1948 से लेकर अब तक तकरीबन 72 पीस कीपिंग ऑपरेशन हुए हैं और उनमें से 17 यानी 17 ऑन गोइंग हैं। एक्चुअली पीस कीपिंग फोर्सेस मीन डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन अ पर्टिकुलर एरिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं उनका अपना यूनिफॉर्म होता है, ब्लैक उनकी अपना यूनिफॉर्म होता है, ब्लू बेरेट्स यानी ब्लू कैप होती है और ये इंडिकेशन होता है कि ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर ये पीस कीपिंग फोर्सेस जो इनको ड्यूटी असाइन की जाती है वो ड्यूटी अपनी ये फुलफिल करती हैं। तो पीस कीपिंग फोर्सेस के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस के थ्रू अपॉइंट की जाती हैं, इनका इम्पार्शियल रोल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस इलाके में भी ये ऑपरेशन करती हैं पीस कीपिंग फोर्सेस, ये न्यूट्रल रहकर गैर जानबदार रहकर अपना रोल प्ले करती हैं। इम्पार्शियल रोल होता है, नॉन कोर्सिव होता है और इन टर्म बेसिस पे होता है, इन टर्म मेयर्स यानी अबूरी इकदाम किए जाते हैं, परमानेंट नहीं होते। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तो फिर उस सूरत में ये इंटरिम बेसिस पे वापस इनको बुला लिया जाता है या अबूरी सतह पर मतलूबा मकासद हासिल करने के बाद दोबारा इनको वापस अपने इलाकों में भेज दिया जाता है। तो ये फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इन्वॉल्व्स मोर पीसफुल इंटरवेंशन विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट, कि जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उनकी कंसेंट से, उनकी राय से इनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी राय ली जाती है। अब तक यूनाइटेड नेशंस के अंडर ग्रीस में, पैलेस्टाइन में, इंडोनेशिया में, लेबनन में, कश्मीर में और बहुत से इलाके ऐसे हैं जिन में यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस ने उन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के ज़रिए अपना अहम रोल प्ले किया। यूनाइटेड नेशंस का बेसिक पर्पस ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। उन्हीं मकासद के लिए यूनाइटेड नेशंस, उन मकासद को फुलफिल करने के लिए उसका एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच जो है यूनाइटेड नेशंस की, वो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, एमरजेंसी फोर्सेस होती हैं, ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर मिशंस, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी इलाके में कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए और फिर उसको नॉर्मल प्रमोटिंग अ रिटर्न टू अ नॉर्मल कंडीशंस, फिर उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाने के लिए इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट और अहम रोल होता है। यूनाइटेड नेशंस के हवाले से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये कि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल इस सिलसिले में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कांगो में, मिडल ईस्ट में, साइप्रस में बहुत ही अहम रोल प्ले किया सेक्रेटरी जनरल ने। इसी तरह ऑब्ज़र्वर मिशन के जो हेड हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है ताकि ऑब्ज़र्वर मिशन को प्रॉपर वो इंस्ट्रक्शंस दे सकें, उनसे रिपोर्ट ले सकें। ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस की ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू हालात को कंट्रोल करने के लिए या बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाते हैं। इस डिस्कशन में
एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. वाइल डिस्कसिंग अबाउट पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, व्हेन वी एग्जामिन इन अ यूनाइटेड नेशन कॉन्टेक्स्ट, देन द टर्म पीस कीपिंग वाज फर्स्ट यूज टू डिस्क्राइब द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी फोर्स UNEF, United Nation Emergency Force, created by the General Assembly, composed of 6,000 peoples during the Suez War in 1956 to take temporary control of the Suez Canal area and encourage the withdrawal of invading Anglo-French and Israeli forces from Egyptian territory. It has since become a generic term for a United Nations non-fighting field of operation, usually involving military as well as civilian personnel undertaken to maintain our resort peace in the area of conflict. Its basic purpose is to help maintain peace when tension is high, but no party is determined to pursue conquest. It does this by such means as observing borders, observing violation, policing a ceasefire or a truce line, serving as a buffer between hostile forces, supervising troop withdrawals, and helping the monitor elections and maintain domestic order during the transitional period. So all these aspects cover the peacekeeping activities. A peacekeeping force is deployed only with the consent of the sovereign of the territory when it operates, and usually with the consent of all major parties to the conflict. Secretary General of the United Nations played a very important role in this regard. I can explain to you an example by Secretary General Mr. Dag Hammarskjöld. Mr. Dag Hammarskjöld explained that United Nations Emergency Forces, as a part of a United Nations strategy to prevent local disputes or power vacuum from becoming extensions, this concept also known as a preventive diplomacy. So United Nations different secretary generals played very important role for United Nations peacekeeping forces, and Department of Peacekeeping Operation acknowledged the need for more rapid and more efficient deployment. Another standing high readiness brigade established under the supervision of the Security Council. These peacekeeping forces have their own logistics, support, weapons, vehicles, common pool of military instruments, and under the supervision of the United Nations. Overall, United Nations' role as a peacekeeping forces, peacekeeping operations, or simply concept of United Nations peacekeeping strategy remained a very important contribution for the attainment of its basic purposes.
तो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस फर्स्ट टाइम 1956 में बनाई गई, जिसे यूनाइटेड नेशंस एमरजेंसी फोर्सेस का नाम दिया गया। बाद में फिर यही पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम से इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। जनरल असेंबली के थ्रू 1956 में सुइस कैनाल का जो क्राइसिस हुआ, उस क्राइसिस में फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी फोर्सेस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस का बेसिक पर्पस ये होता है कि ऑब्जर्विंग पोजीशन में ये रहें, बॉर्डर्स में वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही, पॉलिसिंग का क्या सिस्टम है, सीज़ फायर का क्या है, ट्रूस लाइन क्या है, ओवरऑल हॉस्टेलिटीज़ को सस्पेंड करने के लिए पीस कीपिंग फोर्सेस का यूनाइटेड नेशंस के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब तक यूनाइटेड नेशंस का जो रीसेंट हमें डाटा मिलता है, 120 कंट्रीज़ में से 97,000 यूनाइटेड नेशंस के यूनिफॉर्म्ड पर्सनल जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। 120 कंट्रीज़ में से 97,000 यूनाइटेड नेशंस के यूनिफॉर्म पर्सनल हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी डिस्कशन का दूसरी टर्म मैंने यूज़ की, पीस मेकिंग। अभी मैंने आपको पीस कीपिंग फोर्सेस के हवाले से, पीस कीपिंग की जो टर्म्स है इसको हम डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन पर्टिकुलर एरिया के बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीस कीपिंग फोर्सेस। नाउ आई एक्सप्लेन यू अ सेकंड टर्म, पीस मेकिंग। दिस इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी इन्वॉल्विंग निगोसिएशन, इंक्वायरी, मेडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, resort to regional agencies or agreements or other peaceful means, but applied after a dispute has crossed the threshold into armed conflict, military and diplomatic action after a conflict has broken out, conducted at the request or with the consent of the warring parties to halt hostilities and initiate negotiations. It can include separating the armed combatants, establishing demilitarized or buffer zones, monitoring ceasefires, maintaining law and order, assisting with the conduct of humanitarian actions and guarding strategic facilities. Citizen-based peacemaking is the process of establishing peace constituencies within conflict areas. These constituencies comprise people from different sectors or civil society whose prevailing interest is the development of sustainable peace. तो पीस मेकिंग जो है, पीस मेकिंग में, पीस मेकिंग के प्रोसेस को हम काफ़ी हद तक प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के साथ को रिलेट कर सकते हैं।
पीस मेकिंग के बाद मैं आपको प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के बारे में भी ब्रीफली बताऊंगी। तो पीस मेकिंग को हम प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। पीस मेकिंग के लिए क्या होता है कि गुफ्तगू शुनीद की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, मेडिएशन यानी सालस या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है, मसाहलत यानी कंसीलिएशन होती है, आर्बिट्रेशन होता है, जुडिशियल सेटलमेंट होता है, या रीजनल एग्रीमेंट के थ्रू, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी उस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, या दूसरा कोई भी पीसफुल मीन्स, किसी भी पुरअमन मेथड या तरीके के जरिए ये तमाम स्ट्रेटजीज, ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये अप्लाइड किए जा सकते हैं। लेकिन इस डिस्कशन में ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन तमाम मेथड्स को हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब कि किसी भी इलाके में, किसी भी टेरिटरी में, किसी भी स्टेट में कोई कन्फ्लिक्ट जो है, कोई डिस्प्यूट जो है वो ब्रोकन आउट हो चुका हो, तो उस ब्रोकन आउट होने के बाद फिर उनकी रिक्वेस्ट पे जो है डिस्प्यूटेड पार्टीज को निगोसिएशन की तरफ लाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, वॉर को रोकने के लिए सीज़ फायर। अब अगर सीज़ फायर हो गया तो उसको भी मॉनिटर करना पड़ता है कि वॉयलेशन किस तरफ से हो रही है, फिर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है, फिर इसी तरह ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या वायोलेशंस हो रही हैं, बफर जोन्स क्या हैं, डीमिलिट्रलाइज जोन कौन से हैं और किस तरह से इनको प्रोटेक्ट करना है। तो ओवरऑल ये तमाम वो मेथड हैं जिनका बेसिक पर्पज़ ये है कि सस्टेनेबल पीस जो है किस तरह से प्रिवेल किया जा हो सकता है, किया जा सकता है, उसके लिए पीस कीपिंग मेयर्स जो हैं, यानी ये तमाम पीसफुल मेथड जो हैं ये अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। नाउ आई एक्सप्लेन यू अबाउट प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, बिकॉज पीस कीपिंग एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी क्लोजली रिलेटेड। द टर्म Preventive diplomacy was first used by United Nations Secretary General Dag Hammarskjöld in the 1950s and was revived by Boutros Ghali in the 1990s. It refers to a variety of bilateral and multilateral non-military officials and unofficial efforts which are preferably taken at the early stages of conflict by third parties and others to mobilize forces of moderation against deteriorating situation. Action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts, and to limit the spread of the latter when they occur. Early preventive diplomacy means the provision of skilled assistance through good offices, mediation and the like in order to resolve disputes well before eruption into armed conflict appears likely. Late preventive diplomacy attempts working through the Security Council to persuade parties to explain when such eruptions seem imminent. Preventive diplomacy, in contrast with traditional diplomacy, involves unilateral and multilateral efforts to pressure, to arbitrate, to mediate,
through good offices to encourage dialogues and to facilitate a non-violent resolution of crises. Preventive diplomacy represents measures which are taken to prevent the breakdown of peaceful conditions. It aims to prevent existing tensions escalating into violence and to contain the spread of conflict when it occurs. तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के बारे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी की टर्म जो है 1950s में यूनाइटेड नेशंस के बहुत ही पॉपुलर और एफिशिएंट सिक्योरिटी जनरल मिस्टर डेग हैमरशॉल ने इंट्रोड्यूस करवाई और फिर उसकी रिवाइवल उसको उसकी रिवाइवल के लिए बुतरोस गाली ने 1990s में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी मुख्तलिफ बायलैटरल और मल्टीलैटरल नॉन मिलिट्री ऑफिशियल और अनऑफिशियल एफर्ट्स का नाम है जिसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ही उसको स्टार्ट में ही अर्ली प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के जरिए स्किल्ड गुड ऑफिसेस हैं मेडिएशन है तो उसके थ्रू उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए. तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ अगर हम प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का कंपैरिजन करें तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी जो है ये ऐसी एफर्ट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ पीसफुल मेथड्स के थ्रू डायलॉग्स को इनक्रेज किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि नॉन वायलेंट तरीके से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए उसको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो पीसफुल तरीके से की जाए. तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी जो है वो ऐसे मेयर्स का नाम है ऐसे मेथड का नाम है ऐसे तरीक़ाकार का नाम है जिसमें पीसफुल कंडीशंस के थ्रू ये कोशिश की जाए कि वायलेंस को भी स्प्रेड होने से रोका जाए और कन्फ्लिक्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को प्रॉपर वे में मेंटेन किया जा सके. यूनाइटेड नेशंस की जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन और यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्टार्ट में जो मैंने पहला टॉपिक आपको द जेनेसिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एक्सप्लेन किया तो उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ ही एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड हिस्ट्री इंडिकेशन है इस चीज़ की कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर टू मेजर वॉर्स हुई और उन दोनों बड़ी आलमी जंगों में बेशुमार इंसानी जानी और माली नुकसान हुए और ड्यूरिंग वॉर बहुत सी ऐसी कोशिशें हुई जिनका बेसिक पर्पज़ ये था कि किसी ना किसी तरीके से इस वॉर को स्टॉप किया जाए और दुनिया को तीसरी बड़ी जंग के अजाब से बचाया जाए. तो यूनाइटेड नेशंस का यूनाइटेड नेशंस की जो फॉर्मेशन हुई उस फॉर्मेशन का बेसिक पर्पज़ ये था कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके. यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के थ्रू बहुत से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं. प्रीवियस डिस्कशन में मैंने कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में डिटेल के साथ आपको बताया विद रेफरेंस टू कोरियन वॉर विद रेफरेंस टू इराक एंड कुवैत वॉर. तो उसके अलावा आज की जो डिस्कशन है पीस कीपिंग एंड पीस मेकिंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस और थ्रू द यूनाइटेड नेशंस तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर पीस कीपिंग ऑपरेशंस और पीस मेकिंग कोशें क्या होती हैं प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी क्या होती है यूनाइटेड नेशंस के किस किस तरह से
मैं उनकी प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, इनका रोल क्या होता है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यूनाइटेड नेशंस का जो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैंने अभी ब्रीफली आपको बताया, उसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एंड पीस मेकिंग एक्टिविटीज़, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस आर प्लेइंग वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल देर आर सो मैनी पोलिटिकल ऑब्स्टेकल्स, फिनेंशियल ऑब्स्टेकल्स, बजटरी ऑब्स्टेकल्स, एंड ड्यू टू ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एक्टिविटीज आर कॉन्टिन्यू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट पीस कीपिंग एंड पीस मेकिंग एंड प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी नॉट फुलफिल्ड बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इन अदर वर्ड्स क्रिटिकली वी कैन मेंशन हियर दैट ऑल्दो ऑल दीज एक्टिविटीज आर very important, but sometimes they also failed or not become effective due to different obstacles. Sometimes these activities faced different type of resistance from different ethnic groups, different internal factions, and different political feasibility, and in the same way financial feasibility of course remain an ever present constraint in the attaining of basic objectives of peacekeeping and peacemaking. Sometimes United Nations budget become a hurdle. Sometimes political interest of superpowers or big powers, and sometimes disputed parties not cooperate with United Nations different policies due to their national interest. So United Nations peacekeeping operations and United Nations different policies and programs for the attainment of world peace and security remained ineffective due to different reasons. Since the United Nations has come into existence, there have been at least more than 150 major conflicts all over the world, and some conflicts are state to state or interstate, and others have been civil wars. So although there are so many conflicts, there are so many civil wars, crises, problems in world scenario among international relations, but United Nations
सिंस 1945 नियरली हाफ अ सेंचुरी हैज़ मोर देन हाफ सेंचुरी पास्ट विदाउट अ थर्ड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एंड पीस मेकिंग एक्टिविटीज प्लेइंग देयर इम्पॉर्टेंट रोल. The United Nations have several tools at its disposal with which to try to keep the peace, and United Nations, all these activities played very important role. So concluding this topic, while concluding this topic, we can mention here that importance of United Nations peacekeeping forces, peacekeeping operations, peacemaking activities is one of the most important contributions of the United Nations, and this contribution we cannot deny, because still United Nations facing many problems, but in spite of all those problems, United Nations peacekeeping forces playing very important role. One point is which I usually explain you, that point is United Nations is combination of sovereign and independent states. For effective, efficient peacekeeping and peacemaking, it is very necessary cooperation of big powers. Budgetary contribution and financial contributions of big powers. And another point is very important, that when big powers or superpowers or five permanent members of the Security Council contributed major part of United Nations budget, then they want to play their dominant role in the United Nations peacekeeping and peace making activities to fulfill their own national interest, and this point cannot be denied in this discussion. So that is the end of our today's discussion about peacekeeping and peacemaking activities of the United Nations or under the United Nations, and that is the end of our today's discussion. Allah Hafiz.